हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा ये वीडियो है 11 जून का। हम लोग जा रहे थे छोड़ी बगर मवानी, जहाँ पे है मेरे हस्बैंड का ननिहाल। तो मैं और बच्चे आज हम लोग पहली बार जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा भी लग रहा है नई जगह जाने में। तो देखते हैं कौन कौन सी जगह पड़ती है रास्ते में, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। आप हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। तब तक के लिए बाय। नदी के बारे में कुछ बताइए। ये नदी है बूढ़ी गंगा, ठीक है। ये हमारे मिलम ग्लेशियर से होके आती है। इसके बीच में छोटे छोटे कई नदियाँ मिलके आती हैं। किसी ज़माने में यहाँ पर एक गांव हुआ करता था, वहाँ होटल होती थी। तो वो कहाँ गया? तो रोड इधर से ऐसे हुआ करता था, अंदर से नीचे से रोड नीचे जाया करता था। तो रोड मकान कहाँ गए सब? तो रोड सब गायब हो गया बेटा। किससे? बरसात में जब पानी ज़्यादा हो जाता है ना, नदी का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे बढ़ जाता है, आगे चलो थोड़ा मैं दिखाता हूँ। यहाँ बदेलिया जो है, बदेली गांव है ये। इसी ज़माने में जो मोड़ दिखाया जा रहा है, वहाँ से सीधे रोड हुआ करते थे इधर को, सीधे इधर को। हो
अब चलो धीरे धीरे मोहानी को परम सैंतीस मीटर शेरा घाट दस वो है मथबोट जाने वाला शेरा घाट है एक शेरा है एक शेरा घाट है हल्द्वानी वाला शेरा घाट अलग है ना जो वो अलग है शेरा घाट ये दूसरा है यहाँ पे इस रूट का वो अलग है दो दो नाम कई जगह के होते हैं स्वास्थ्य केंद्र ये जो रोड जा रही है इधर ये इमला है ऊपर देखो हिमल ऊपर गांव है हाँ हिमाला ज्योति दीदी का जोसा टाइप वहाँ है जोसा वहाँ पहले पुराना पुल था यहाँ पे हाँ पतला पुल था ये है मथकोट मथकोट पहुँच गया अब हम गरम पानी निकलता है वहाँ पे चलो तो अभी हम लोग पहुँचे हैं मथकोट से थोड़ा सा नीचे और अभी हम उतर के जा रहे हैं नीचे हॉट स्प्रिंग वाटर देखने के लिए गंधक का पानी तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा होता है गंधक का पानी ये देखिए गाइस कितना सुंदर व्यू है अभी हम उसके और नज़दीक जाके दिखाएंगे तो गाइस देखिए ये है गंधक का पानी कौन सा पानी है भाई ये पानी वो होता है खट्टा होगा खट्टा पानी टेस्ट करते पीते नहीं इसको मतलब गंदा है वो पानी कर रहा है पी लो चलो खट्टा होता है बोले पानी एक बार टेस्ट कर लो हाँ हाँ स्विमिंग करनी है इसमें कर ले स्विमिंग जा पूछो एक बार स्विमिंग कर सकते इसमें हट ना प्राची टेस्ट कर ले एक बार कैसा हो रहा पानी विभू कैसा हो रहा है उल्टी आ रही है प्राची टेस्ट कर ले गर्म है लेकिन पानी यहाँ पे हाँ नहीं नहीं काले नमक की जैसी स्मेल आ रही है ये देखिए पानी यहाँ पे खट्टा पानी इसका स्वाद काले नमक की तरह बिबू को उल्टी आ गई इस पानी से गंदा कर रखा लोगों ने यार पी ले पानी मैं पी रहा हूँ खट्टा पानी खट्टा देखा होगा ना खट्टा
गर्म है ना पानी और खट्टा भी हो रहा है स्वाद, और काले नमक की तरह खट्टा, पता नहीं मेरे को पूरी काले नमक की पूरी स्मेल आ रही है। ये देखिए यहाँ पे मंदाकिनी और गोरी नदी का संगम, कितना उफान पे। धारे में नहाते हैं? धारे में नहाते, धारे भी है वहाँ पे, वो नहा भी रहे वहाँ पे। ये स्कूटी वाले ही है मुझे लग रहा है, उससे जो है इससे नहाने से खास छुट्टी से दूर होता है एलर्जी नहीं होता। खट्टा हो रहा है नमक ऐसे हो रहा है, नहाएगा बिबू? बिबू को नहला दो ना, बिबू नहला दो, मैं उठा के जाऊँ ऐसे वही तो होता। चलो फिर हेलो बिबू, मजा आ गया दौड़ के। प्राची पापा थक गए पीछे वहाँ। उसी फॉल की बात कर रहे हैं। हाँ। तो मैं आज से मैं उस स्विमिंग पूल में जाऊँगा। इसमें? हाँ। ये पूल कब बना है? पूल बनाऊँ कब बना है? कितने साल के बाद आ रहे हो आप? हाँ? साल? अरे एक साल नहीं आया था हम और सुनते। अच्छा ये कौन सा पुल है? मैदान पुल है, ये यहाँ से जाने के लिए, बाहर जाने के लिए जा सकते हैं, टूटेगा नहीं। सारे झूला पुल, झूला पुल में जाएगा नहीं, झूला पुल है ऊपर। हाँ, पर गिरे ना? नहीं गिरता, इतने लोग जाते हैं, गिरता क्या? जो हॉल वहाँ पे हॉल सामने दिखाई दे रहा है, पुल से पार जाना हमें पैदल। ये दिखाई दे रहा है पुल? हाँ, इधर को जाना गाँव में। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं बंगा पानी मार्केट, और अब हम जाएंगे यहाँ से पैदल। तो चलते हैं घर तक पहुँचेगी ऊपर गाँव में। एक पत्थर उठा ले बेटा, मेरे को तो ये दिख रहा है। एक उठा ले, मैं ये वाला उठाऊंगी। चलो चूज नहीं करना है ऐसे कोई भी बात, मेरे को तो ये दिख रहा था। भगवान जी का होता है ना कुछ, झूला पुल है। हिल रहा है क्यों आज कल? अंग्रेजों के जमाने में बना पुल है, सुनाए तो पत्थर करते हुए चलते। गया एक किलोमीटर से ऊपर है,
अभी 1 किलोमीटर और जाना ऊपर। हाँ। गांव तो यही है ना। हाँ, गांव स्टार्ट हो गया। भवानी दवानी। बीबो थक्कू हो गई। ये पापा का ननिहाल। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं मवानी, और देखिए ये है मवानी का गांव। वैभव और प्राची को लग गई गर्मी, पी रहे हैं अभी यहाँ पे ठंडा। पापा के मामा लोगों का पुराना घर है और ये वाला है नया घर। किसको पार्टी बोलता था? पत्थर वाला घर नहीं तो यहाँ क्या आग जलाने वाला? हाँ, ये नया पुराना किचन था इसमें। अच्छा, ओल्ड किचन। पुराना घर रखते। चलो पर चलो, ठंडा हो रहा है। मंदिर है, मंदिर है, इसमें ये ये पीछे का रास्ता भी है। खोलो ये स्टोर रूम ये चूरमा यहाँ बनाने वाला ना। ऐसे घर होता था पहले का। ये पौधे है ना, प्लांट लगा हुआ छोटे छोटे। मिर्च का पौधा लगा हुआ खेत। क्या पेड़ है? कड़ी पत्ता है नहीं, ये वो है यार, लीची है। अच्छा, लीची लीची गोल बुड्ढी ने चीत है कहाँ? ये राती वालों का था ना। चलो भाई नीचे प्लांट टूट गया। चलो ये चलो, बीबू जा रहा है। बीबू खुश हो गया एडवेंचर में जाके। मजा आया बीबू? ये तो अब खंडहर हो गया। खंडहर हो गया। यहाँ पे देखो बीन्स के कितने सारे खंड, सब्जी लगी है ना बीन्स। ये भिंडी है, वहाँ पे भी खेत आ गए। गाय गाय सू अरे गैया देख लो, छोटा बच्चा भी है। देख ले गाय का बच्चा, वो कैसे देखा कुछ देता गाय को। धान कूटने वाली पहले से ऐसे होता था। पापा देख रहे हैं अपने ननिहाल में, पुराने दिनों की याद ताज़ा हो रही है। ये पेड़ किस चीज़ का है? ये वाला पेड़। ये रास्ता कहाँ जाता है? पापा वो क्या है? बीबू कुछ पूछ रहा है। पापा ये दादी का गांव है। दादी का मायका? दादी का मायका मेरे मामा लोगों का घर। दादी के मम्मी लोगों का, मम्मी पापा का घर है। उनका यही तो है। दादी का मायका तो पापा का, पापा के मामा लोगों का घर नहीं हो ये।
तो अब हमारे लिए यहाँ पे खाना लग गया है, घर के चावल और दाल, घर की मसूर की दाल। तो खा लेते हैं अब खाना। देखिए यहाँ पर एक आम का पेड़ है मोहानी दवानी में, अब भीपू सिंह इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी, और सामने आम के पेड़ में डाल पर चढ़े हैं और आम दिख रहा है, दिखाई दे रहा है इसके सामने ऊपर ये। आजा आप तोड़ मत देना पेड़। ठीक है, कैसा लगा व्यू? ये आ रहा नीचे उसके हाथ का, यहाँ पर था मुर्गी वाला। खाओ जा रहा ऊपर छत में। बिबू डॉगी आ रहा है, इसको ले जाते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मवानी से मुंशियारी, और अभी हम लोग जा रहे पैदल नीचे रोड तक, फिर जाएंगे गाड़ी। टॉमी भी यही आया, देखो वो है ना टॉमी हमारा, आगे जा रहा है जो टॉमी का फ्रेंड, उसको घर लेके जाना, गाड़ी में रख के ले जाओ टॉमी को। दो टॉमी हो जाए, देखो खुश हो गया आगे आगे, आगे। बाय बाय टॉमी, बाय, जा घर जा। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं रोड में और करते हैं अब अपने सफ़र को कंटिन्यू, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।